एटा से बड़ी खबर। एटा में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लाखों की लूट। गांव मोहनी कासगंज से दोनों दंपत्ति जरैया बाग वाला एटा जा रहे थे। नेशनल हाईवे के निकट अंबारी के पास अपाचे सवार दो बदमाशों ने बाइक रोककर दंपत्ति की कनपट्टी पर रखा तमंचा, गोली मारने की धमकी देकर महिला से लूटे सोने के आभूषण। नेशनल हाईवे बाईपास पर आए दिन होती रहती है लूट जैसी संगीन घटनाएं। कोतवाली देहात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने एटा के लुटेरे। सूचना मिलते ही कोतवाली देहात इंस्पेक्टर जगदीश सिंह सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे घटनास्थल। पीड़ितों ने मामले की दी कोतवाली देहात में तहरीर। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे बाईपास अंबारी के निकट का मामला। अजय जी, क्या हुआ है आपके साथ, थाने क्यों आए आप? हमारे रास्ते में लूट पार कर ली और जंजीर ले ली और मंगलसूत्र और फंदा ले लिया है। अच्छा, कैसे लूटपाट की, कौन थे, क्या था मामला? अपाचे बंदे थे दो लोग, उन्होंने हमारे कान पर दिमाग पर तमंचा रख दिया और हमारी मैडम से सब कुछ छीन लिया। अच्छा, क्या क्या छीना है? मंगलसूत्र और एक फंदा और बैग है, 5,000 रुपये। कितने समय की घटना है और कहाँ की घटना है? अंबारी के पास हाईवे के नीचे जा रहे थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप और क्या टाइम था? मोहनी से चले गया काम 12:30 बजे के करीब। इसकी सूचना आपको आपने थाने में दी है? दी है, थाने में ही है। सुबह से थाने में बैठे हुए हैं, अभी दरखास्त नहीं दी उन्होंने। क्या कह दिया है? फैसला करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।